ये आपको खारिश की बीमारी कब से है? ढाई साल हो गए। ढाई साल से। बगल ऊपर करें, हाँ, और हाथ पूरा ऊपर। ये बगलों में ज़्यादा होती है? बगले ये दोनों, और ये, और ये, ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बीच में, मतलब प्राइवेट पार्ट में जी, इवन हिप्स भी पूरी रात पूरा हाथ ही रहता है। अच्छा, ढाई साल से ना नींद का है। और आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं मास्टर कर मास्टर कर चुके हैं और प्रोफेशनली एज ए प्रोफेसर हैं। अब अपना खुद का जाती सेंटर है मेरा। अच्छा जी, अब आप देखें, आप प्रोफेसर हैं जी और आपका अपना जाती सेंटर भी है, पढ़ाते भी हैं माशाल्लाह, और ढाई साल से इस बीमारी में मुब्तला हैं जी, जिसका इलाज बहुत ज़्यादा भी हो तो ढाई हफ्ते में हो जाता है। बिल्कुल। कितने डॉक्टरों को दिखाया? मैंने तकरीबन समझ ले सात आठ डॉक्टर। नहीं, नाम ना लें किसी का, मुझे नहीं हुआ नहीं, लेकिन देखिए मैं आपको बुला रहा हूँ एक हफ्ते बाद जी, मुझे एक हफ्ते बाद बताना, फिर दो हफ्ते, तीन हफ्ते, इंशाल्लाह मैक्सिमम तीन हफ्ते में आपकी जान छूट जाएगी। और घर में जिस जिस को ख़ारिश है उसका इलाज कराना है जी, अपने साथ ही, और अगर नहीं भी है तो अभी, कोई इतना मुश्किल इलाज नहीं है, इतना महंगा इलाज नहीं है। दूसरा ये कि जो कपड़े आज पहने हैं कल नहीं पहने, इनको धोना है, रोज़ाना धुले हुए कपड़े पहने। आपके जिस्म का बहुत बुरा हाल हो गया है, ये उल्टी सीधी क्रीमें लगाने से, स्ट्रायास जो होते हैं ना, स्टीरॉयड इंड्यूस स्ट्रायास, जो आपकी खाल पतली हो गई है, ये जो नज़र आ रही है जल्दी हुई, ये बिल्कुल ऐसे हो गई है, तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है जो आपने स्टीरॉयड क्रीम्स अपने ऊपर इस्तेमाल की है। ये दूसरे लोगों के लिए भी एक वो है कि इस तरह से देखिए, बिल्कुल हाथ लगाएं उस जगह, तो ये कितनी पतली खाल हो गई है इसकी। ठीक है, इंशाल्लाह इलाज कर रहे हैं, फिर देखेंगे अगले हफ्ते क्या होता है। अच्छा जी, ये प्रोफेसर साहब, आपको ख़ारिश कब से हुई थी? तकरीबन ढाई साल से। और मेरे पास कब आए थे? आप एक हफ्ते पहले। अच्छा, अब कैसी है खुजली आपकी? खुजली माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक है, पहले ढाई साल से परेशान था, अब नहीं है। अब नहीं है, अब बिल्कुल सही है। 16 उसको मैं आया था, 16-17 दो दिन रही है, उसके बाद ख़ारिश भी खत्म। अच्छा, आप नींद का बताया था कि आपको 6 महीने से नींद नहीं आ रही थी? नींद नहीं आ रही थी, वो भी ख़ारिश की वजह से, मतलब खुजाते रहता था। कितनी देर दिन के बाद नींद माशाल्लाह खुल गई है? तो पहले कितनी देर सोते थे आप? एक घंटा, मुश्किल 24 घंटे में। 24 घंटे में, वो भी आँख लग गई तो लग गई, वरना नहीं होता। अच्छा, और आपने कहा कि मैंने 6 महीने से फिर नफसियाती इलाज भी शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी और आप समझे कि मैं कुछ नफसियाती बीमारी हो गई, हालांकि इसके भी इसकी वजह से। अब कैसा है? अब बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है, नींद भी आ रही है। और सबसे बड़ा मसला नींद का था। अच्छा, और ख़ारिश का, वो दोनों ही नहीं। अब आपका जिस्म भी साफ हो गया, बगलें दिखाना ज़रा, ये भी साफ हो गए। ये तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि इधर उधर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है माहिर डॉक्टर को दिखा दिया जाए। मैंने बहुत अपना फजूल पैसा भी ज़ाया करा, ठीक है, अब आया माशाल्लाह इधर भी, तो बहुत फ़ायदा होगा। एक हफ्ते में ही? जी बिल्कुल। कहाँ ढाई साल, कहाँ एक हफ्ता? एक हफ्ता है या हम नहीं? मैं और मेरी फैमिली खुद यही बोल रहे थे कि पहले ही चले आते तो ज़्यादा बेहतर था। सही है, नहीं चैलेंज है, बहुत मुबारक हुआ।